नमस्कार, मैं मनीष, स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी जेई का जो आपका CVT 1 हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर मैं हाजिर हूँ। मैं रा नंबर की भी बात करूँगा और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की भी बात करूँगा, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है। अगर हम बता देते हैं कि 55 से 56 अगर कट ऑफ जाएगा तो लोग सोचते हैं कि 72 73 जा रहा है तो ये झूठ बोल रहा है। तो देखिए, रा नंबर और नॉर्मलाइजेशन में आपको अंतर पता हो चुका होगा इतना एग्ज़ाम देने के बाद। तो हम यहाँ पे रा नंबर और नॉर्मलाइजेशन का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जाएगा, कौन से जोन में कितना वैकेंसी है, तो सभी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको जिस जोन में आपने भरा होगा तो उस जोन का आप देख सकते हैं। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। पहला हम मुंबई से स्टार्ट करते हैं। मुंबई में आपका वैकेंसी है, टोटल 1544 वैकेंसी है। अगर हम बात करते हैं यूआर में है, अगर आप यूआर में हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो रा नंबर के अकॉर्डिंग 55 से 62 या आप कह सकते हैं 56 57, यही रेंज रहेगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो मुंबई में थोड़ा नॉर्मलाइजेशन कम रहेगा, तो 70 के तकरीबन नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नंबर आ जाएगा, इतना नंबर अगर ला रहे हैं तो इतना कट ऑफ जा सकता है। अगर ओबीसी की बात करें तो 52 से 54 के बीच रह सकता है, और अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स कितना बढ़ के हो जाएगा, 65, तो 65+ रहेगा। एससी की बात करें तो 50 से 52, और नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो 62+ है। एसटी की बात करें कम जाएगा 42 से 48, और इसका अगर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात करें तो 60+। अगर हम इलाहाबाद जोन की बात करते हैं तो यहाँ पे वैकेंसी टोटल आपका है 1446, ठीक है, 1446 वैकेंसी है। यूआर की बात करें तो 62 से 64 नंबर के बीच ला रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। इसका थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, 72+ जाएगा। ओबीसी की बात करें तो 68+ जाएगा। अगर एससी की बात करें तो 65+ जाएगा, और एसटी की बात करें तो ये 60+ जाएगा। ये सभी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है और ये रा मार्क्स हैं, जो कि आप नंबर लाएंगे एग्जैक्टली वो नंबर अगर इतना में आ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता में वैकेंसी ज़्यादा है, 1519 है। अगर हम बात करें यूआर में तो आपके रा नंबर 63 से 65 के बीच है, तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो थोड़ा आगे भी जाएगा, 74+। और अगर ओबीसी में है तो 60 से 62 के बीच आपका रहने वाला नंबर, तो आपका नॉर्मलाइजेशन 70+ के तकरीबन जाएगा, और इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा CVT 1 में। अगर एससी की बात करें तो 56 से 57 के बीच रहेगा, और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अगर की बात करते हैं तो 65+ जा सकता है। एसटी की बात करें तो 55 से 56 के बीच अगर नंबर आ रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहीं सब कट ऑफ रहने वाली है, और इसका नॉर्मलाइजेशन 61+ जा सकता है। अगर हम चेन्नई जोन की बात करते हैं तो यहाँ पे वैकेंसी टोटल 1183 है। यूआर की बात करें तो 54 से अगर आप 59 के बीच नंबर ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इतना नंबर ला रहे हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आगे बढ़ के 68+ हो जाएगा, यानी कि 68+ अगर आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ओबीसी की बात करें तो 52 से 55 के बीच ही इसका कट ऑफ रहेगा रा नंबर, और अगर 65 आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की बात करें तो 50 से 52 के बीच रहेगा अगर आपका नंबर, तो सिलेक्शन हो जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो 60+। एसटी में 45 से 47 के बीच वेरी करेगा, और इसका नॉर्मलाइजेशन 57+ है। आगे हम तिरुवनंतपुरम की बात कर लें। यहाँ पे देखिए, कुछ जो आपके जो स्पेलिंग है वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो ये सभी इशू को नहीं लेंगे, क्योंकि अपन लोग टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो ये सभी इशू को नहीं लेंगे, ठीक है। मुद्दे की बात पे आते हैं। वैकेंसी यहाँ पे 137 है। यूआर में अगर हम देखें कि अगर रा नंबर की बात करें तो कट ऑफ 56 से 59 के बीच रहेगा, और नॉर्मलाइजेशन के बाद 70+ रहेगा। ओबीसी की बात करें तो 52 से 57 कट ऑफ रह सकता है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद 68+ है। एसटी में 65+ रह सकता है, सॉरी एससी में 65+ और एसटी में 60+ रह सकता है। रा नंबर इसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि कितना रा नंबर है। सिकंदराबाद की बात करें तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपके 789 है। यूआर में अगर आपके नंबर 58 से 62 के बीच आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 71+ आपके नॉर्मलाइजेशन जा सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो 52 से 55 के बीच रहेगा, और नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो 67+ जा सकता है। यहाँ पे देखिए, बहुत सारे कन्फ्यूजन थे कि 55 56 हम बता रहे थे कि कट ऑफ जाएगा, तो लोग कह रहे थे कि 76 78 जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन की बात वो वाली बातें हैं, ठीक है। तो आप दोनों को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं।
अगर हम भुवनेश्वर की बात करें तो 242 वैकेंसी है यहाँ पे। UR में अगर आप 60 से 65 लाते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, 72 प्लस यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके कट ऑफ जाने वक्त की संभावना है। OBC में अगर बात करते हैं तो 55 से 59 के बीच रहेगा 70 प्लस, और SC में 52 से 55 के बीच आपके रा नंबर है तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो 67। तो एक एक हम पढ़ के नहीं सुना देते हैं आपको, यहाँ पे देख लेंगे आपकी कौन से जोन में कितना नंबर कौन से कैटेगरी में है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप अपने जोन के बारे में देख सकते हैं। मैं एक एक करके धीरे धीरे स्लाइड करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि सिर्फ बोलने से क्या फर्क पड़ता है, ये सिर्फ आप देख भी सकते हैं इसको आसानी से। अजमेर की बात करें तो 825 है इसका वैकेंसी, और UR की बात करें तो 58 से 62 के बीच। यहाँ पे ज़्यादातर देखेंगे कि UR में जो आपका कट ऑफ जाएगा वो 70 के एबव ही जाएगा, ये नॉर्मलाइजेशन की बात है। तो ठीक है, 70 प्लस जाएगा ही, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे 70 प्लस नॉर्मलाइजेशन के बाद नहीं जा रहा है, तो 70 प्लस तो होगा ही होगा। कुछ रिलैक्सेशन आपके SC ST में मिल जाते हैं, ज़्यादा भी नहीं क्योंकि वहाँ भी लेवल तगड़ा हो चुका है। अहमदाबाद की बात करें तो 399 यहाँ पे वैकेंसी है, यानी कि टोटल 400 के तकरीबन है। भोपाल की बात करें तो 383 वैकेंसी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे भोपाल के, तो UR में अगर आपके कट ऑफ 73 भी जा सकते हैं, 73 एवं ही रहेंगे। उसके बाद OBC में 70 प्लस ही जाएंगे, SC में 62 प्लस रहेंगे, ST में 56 प्लस नॉर्मलाइजेशन के बाद। रांची की बात करें तो यहाँ भी थोड़ा तगड़ा फाइट होता है, 73 प्लस ही UR में जा सकता है 70 के तकरीबन आपके OBC में, और SC भी उसके आस ही पास रहेंगे क्योंकि SC में भी फाइट तगड़ा हो चुका है, 67 के आसपास रहेंगे। गोरखपुर की बात करें तो डेंजर जोन है, यहाँ पे 74 प्लस ही जा सकता है, और इसकी वैकेंसी की बात करें तो 645 है। UR में अगर 62 से 65 नंबर लाते हैं तो आपका जो कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन जो 74 है वो पार हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं गुवाहाटी की, तो यहाँ पे 586 वैकेंसी है UR में, यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सकता है एक दो नंबर का, 70 प्लस है। और अगर बात करें OBC की तो 68 प्लस। तो इस तरह से आप पटना के देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 300 वैकेंसी है, 73 प्लस यहाँ पे UR जा सकता है, और OBC की बात करें तो 70 प्लस जा सकता है। मालदा में थोड़ा नीचे जाएगा एक दो नंबर, मालदा में UR का जो कट ऑफ है 70 प्लस जा सकता है, और OBC की बात करें तो 68, और SC की बात करें तो 63, और ST की बात करें तो 56 प्लस। सिलीगुड़ी में लगभग 200 वैकेंसी है, 70 प्लस जाएगा, यहाँ पे सिलीगुड़ी में एक दो नंबर का रिलैक्सेशन UR वाले को मिल सकता है। और मुजफ्फरपुर की बात करें, यहाँ पे वैकेंसी काफ़ी कम है लेकिन फाइट यहाँ पे तगड़ा है, तो 73 UR में तो जाएगा ही जाएगा, ये तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, इतना से नीचे तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो यही सब आगे और भी है, कुछ जोन और भी आपको दिखा देते हैं। बिलासपुर है 72 प्लस यहाँ पे UR में जाएगा, OBC में 68 प्लस जाएगा। जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू में तकरीबन 500 वैकेंसी है, 68 यहाँ पे थोड़ा कम जाता है आपका कट ऑफ है। तो टोटल आप देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 13,487 है, जो कि टोटल कितने जोन हैं वो जितने भी जोन हैं सभी को मैंने यहाँ पे काउंट कर रखा है, सभी का जो OBC है, UR है, SC ST है, कहाँ पे कितना कट ऑफ जा सकता है, कौन से जोन में कितना वैकेंसी है, सभी को मैंने इस वीडियो में डिटेल में चर्चा किया है। तो आशा करते हैं आप अपने जोन के जो कट ऑफ है उसको क्रॉस करेंगे, अपने कैटेगरी है उसके कट ऑफ को क्रॉस करेंगे, और आप CVT 1 में सिलेक्शन लेंगे। CVT 2 में आपको सिलेक्शन लेनी है तो आप टेक्निकल अभी से प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, तो इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आप तक आसानी से पहुँचता रहेगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।